कई सिनेमा ऑनर्स बिल्डर से डायमंड मर्चेंट है हम एक लोग 72 से आज तक खाली सिनेमा एग्जीबिटर ही है, हमारा और कोई धंधा ही नहीं है। और ये 72 से सीता और गीता से शुरू हुआ है गेटिंग गैलेक्सी। बाकी सबके रेट ऊंचे ऊंचे होते हैं, हमारे नीचे नीचे होते, खाली थिएटर रखना उससे अच्छा है ना पब्लिक बुलाना। बस वो एंटायर एक्सपीरियंस में ऐसा था कि मेरे एग्जीक्यूटिव है मिस्टर आदिल शेख और मिस्टर दिनेश, वो दोनों मेरा मुंह देखते थे, मैं वो दोनों का मुंह देखता था, बस इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं थी। थिएटर को मेंटेन करते थे, थिएटर को साफ करते थे, साफ करके रखा तो आज हम चला पाए हैं। कई वर्कर्स मेरे पुराने वर्कर्स जो 72 से थे वो सब छोड़ के चले गए, उन्होंने सबने अपना हिसाब मांगा, हमने हिसाब प्यार से दिया, उनकी ग्रेजुटी, उनका पगार, और ये सब देने के बाद किसी ने ठेला लगा दिया, किसी ने अपनी दुकान लगा दी गांव में जाके, कोई रत्नागिरी से था तो कोई मांगड़ से था, कोई यहाँ से था, तो ये सब लोग वापस लौट के नहीं आए। तो अभी स्टाफ का प्रॉब्लम हो गया है, अब स्टाफ भी हम ला रहे हैं। 2 ईयर्स का रिकवर करने में हमें 1.5 साल लगेगा, वो भी अगर ये बरोबर चला, और 1.5 साल की बात में तब बोल रहा हूँ जब हमें 100% ऑक्यूपेंसी मिलेगी, 50% में 1.5 साल में भी नहीं होगा। हम हकीकत में दुखी है कि थिएटर को सबसे लास्ट में रखा, दुकान पहले खोल दी, रेस्टोरेंट पहले खोल दी, अब तो रेस्टोरेंट 12 बजे तक चलेगी, दुकान भी 12 बजे तक चलेगी। हमारी तरफ तवज्जो नहीं थी, हमारी तरफ ध्यान नहीं था। हमने CMO ऑफिस में कितने लेटर लिखे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, लेकिन क्या करें, बस अभी अभी उन्होंने जो खोल के दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, थैंक यू सर। कई जगह पे पूरे इंडिया में 100% हो गया, लेकिन यह नहीं हुआ। वो बोलते नहीं अभी कोरोना गया नहीं, अभी तक होम थिएटर सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन था जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से मिलता था, अब ये OTT प्लेटफॉर्म एंड अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हो गया। कई लोगों ने, यहाँ तक कि बेल बॉटम भी रिलीज हुई है महाराष्ट्र को छोड़ के, या OTT प्लेटफॉर्म ऐसा छाया हुआ है, काफ़ी ऐसी सीरियल्स हैं जो लोग अपने TV पे देख लेते हैं, अपने फ़ोन को स्मार्ट TV के साथ जोड़ देते हैं, वहाँ देख लेते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं, इसमें से उनको बाहर आना पड़ेगा, हमको बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। वो गाना था एक राजकुमार का, तुमने पुकारा हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे, वही हालत है अभी हमारी। कितना भी OTT प्लेटफॉर्म हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, यहाँ बहुत बड़ा स्क्रीन होता है, और यहाँ की ब्यूटी अलग होती है क्योंकि हमारे पास 8-ट्रैक साउंड है, पीछे LCR, लेफ्ट सेंटर राइट, और सब बुफर्स, वो सब बुफर्स होते हैं, ये बाजू 5, ये बाजू 5-10, उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट में स्पीकर होते हैं, एक्सट्रीम राइट में स्पीकर होते हैं, पीछे स्पीकर होते हैं, ये सब मिला के 8-ट्रैक साउंड आपको आपके TV में नहीं मिलता, होम थिएटर में भी नहीं मिलता, इसलिए लोग को थिएटर का आकर्षण ज़्यादा होता है। और घर में बैठ के बेडरूम में सिटी कितनी बजाएंगे, हाँ यहाँ एक साथ सिटी बजती है।